नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बच्चों को सही खान पान नहीं मिलने की वजह से देश में हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है, तो वहीं सैकड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ सही खान पान बेहद जरूरी है ताकि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कर सके। आए दिन ऐसे कई बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जो शारीरिक तौर पर विकसित तो होते हैं लेकिन मानसिक तौर पर नहीं होते हैं। ऐसे में बच्चों के ब्रेन को विकसित करने के लिए और तेज बनाने के लिए डाइट को और बेहतर करना होगा। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में बताएंगे जो बच्चों के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहतर डाइट साबित होते हैं। तो बच्चों का दिमाग बढ़ाने वाले वो 5 फ्रूट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अखरोट की। अखरोट को स्नैक्स या नाश्ते में बच्चों को रोजाना खिलाएं, इससे दिमाग तेज होता है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन को बूस्ट करता है। आगे बात करेंगे अंडों की यानी एग्स की। तो अंडे में कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके सेवन से बच्चों का दिमाग तेज होता है और इसे रोजाना नाश्ते में उबाल कर या फिर हल्के तेल में फ्राई करके खिला सकते हैं। आगे बात करेंगे सेब यानी एप्पल की। तो सेब सभी को पसंद होता है, इसके रोजाना सेवन करने से ये कई तरह की बीमारियों की छुट्टी कर देता है और इस फल का सेवन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि ये बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत करता है। आगे बात करते हैं दही की। तो दही में कैल्शियम प्रोटीन के साथ प्रोबायोटिक्स और गुड फैट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगला है बादाम। तो बादाम में पोषक तत्वों की भंडार होता है, इसमें फैटी एसिड्स और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसके खाने से बच्चों के ब्रेन तेज होते हैं, इसके लिए ब्रेन फूड भी कहा जाता है। आगे आप बात करेंगे हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट बेहद जरूरी है, ये बात तो हर कोई जानता ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तरह हमारी बॉडी को किसी भी तरह का काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है तो खाने से आती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन इस 10% ख्याल भी हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को नहीं रख पाते। खासकर बच्चों के मामले में ये बात ज्यादा लागू होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों की बेहतर सेहत के लिए कई तरह की ट्रिक्स अपनाते हैं लेकिन उनके दिमाग का ख्याल नहीं रखने में कहीं से पीछे रह जाते हैं, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा उनके मानसिक विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब इसी कड़ी में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बात्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बच्चों के लिए खास पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में लवनीत बात्रा ने कहा कि बच्चों के तेज दिमाग के लिए उन्हें किस तरह के फूड्स खिलाए जाने चाहिए। तो अभी हमने बात की दही की, तो न्यूट्रिशंस के मुताबिक दही आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है, इसके साथ ही मस्तिष्क के विकास के लिए भी एक जरूरी पोषक तत्व है। दही में प्रोटीन, जिंक, विटामिन B12, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों के दिमाग विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आगे बात करेंगे हरी सब्जियों की। तो हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केला, लेटस आदि भी बच्चों के दिमाग को तेज करने में मदद करती है। लेटस में फॉलेट, फ्लेवोनोइड्स, कैरोटेनोइड्स, विटामिन ई जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों के मस्तिष्क के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। लवनीत मात्रा के मुताबिक फली और बीन्स में मैग्नीशियम, जस्ता, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और फॉलेट जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये बच्चों के मूड और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, राजगीरा, स्टील कट ओट्स कई विटामिन से भरपूर होते हैं जो मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने में कारगर साबित होते हैं। अगर बच्चे नियमित तौर पर साबुत अनाज का सेवन करें तो ये उनकी याददाश्त को तेज करने में भी मदद करता है। बात करें नट्स और बीज की, तो फेमस न्यूट्रिस्ट ने बताया कि नट्स और बीज मोनो अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 से भरपूर सुपर फूड है जो इन्हें मस्तिष्क के विकास के लिए आदर्श बनाते हैं। आप अपने बच्चे की डाइट में पिस्ता शामिल कर सकते हैं, इसमें मौजूद खास फाइटोकेमिकल जैसे ल्यूटिन कहा जाता है बच्चों के दिमाग को तेज करने में मदद करता है। नियमित तौर पर इस तरह के सुपरफूड का सेवन करने से बच्चों का दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो सकता है। इसके अलावा आप इन्हें कद्दू के बीज खिला सकते हैं, इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मस्तिष्क की रक्षा करने के साथ साथ शरीर को भी हेल्दी बनाए रखते हैं।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।